एनएच के अधिकारियों की लापरवाही से एनएच 28 गोरखपुर लखनऊ मार्ग गड्ढे में तब्दील। जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने दिए कड़े निर्देश। जहां प्रदेश सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त कर आम जनता को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहीं एनएच के अधिकारियों की लापरवाही से गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 28 पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपको हम बताते चलें कि बस्ती जिले के कप्तानगंज बाजार संसारीपुर चौराहे के पास हरैया सहित बस्ती शहर से पहले अमहट पुल के पास पूरी तरह एनएच 28 गड्ढे में तब्दील हो जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, यह अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं गाड़ी चालकों ने बताया कि जगह जगह एनएच 28 लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिससे गाड़ी का पहिया फंस जाता है, दिखाई पड़ता नहीं और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहीं हम लोग बस्ती जिले में दो टोल प्लाजा एनएच 28 पर हैं। हर बार गाड़ी लेकर जाते हैं, मोटी रकम टोल प्लाजा पर देते हैं, जिससे सड़कें बनी रहे और हमारी गाड़ी की सुरक्षा हो, चलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब सड़कें पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो तो किस बात का टोल टैक्स दें? यह सोचने वाली बात है कि सरकार हम लोगों से जबरन टोल टैक्स लेती है और सड़कें खराब हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारी गाड़ियां भी गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में कई बार रास्ते में खराब हो जाती है। क्योंकि सड़कें खराब हैं, गड्ढों में तब्दील। वहीं इस मामले में एनएचआई के जीएम सीएम द्विवेदी के मोबाइल पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि भारी बारिश होने के नाते एनएच 28 लखनऊ से गोरखपुर मार्ग सड़कें टूट गई, उसकी मरम्मत चल रही है, जल्द ही मरम्मत कार्य करा लिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने कहा कि एनएच 28 के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल गड्ढा मुक्त सड़क एनएच 28 की जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिससे दुर्घटनाएं रोकी जा सके। क्या दिक्कतें आ रही है? क्योंकि आने जाने में अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जगह जहां गड्ढे हैं गाड़ियां चलती हैं तो गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते हैं, और गड्ढे में जब टायर फंस जाता है तो आदमी गिर करके चुरहिल हो जाता है। जबकि यहाँ बस्ती जिले में दो दो टोल प्लाजा हैं जो कि टोल टैक्स वसूलते हैं, और उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और सरकार का भी ये मंशा है कि रख रखाव की सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जो सड़कें जो गड्ढे में तब्दील हो जाती हैं उनको उसको सही कराना चाहिए। लेकिन ये जो है इनकी लापरवाही की वजह से जगह जगह गड्ढे हैं, बल्कि जिलाधिकारी को हम लोगों ने शिकायत भी किया था कि मैडम जो है सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है, और ये जो है पैसा तो लेते हैं लेकिन जो है सड़कें सही नहीं करवा रहे हैं। चाहे से लेकर शहर तक में जो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, बहुत लोगों को दुश्वारियाँ हो रही, क्या कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में? जगह दर्शन में और विभिन्न माध्यमों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पीडी एनएचआई को निर्देशित किया गया है कि जो भी समस्या हो उसे यथाशीघ्र दूर कराए, और वस्तुस्थिति की जाँच है तो एक 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें एसडीएम सदर, सीओ सदर, एक्सिम पिरौली निर्माण खंड और एआरटीओ की संयुक्त समिति स्थलीय निरीक्षण करके बिंदुवार विस्तृत आख्या प्रस्तुत करेगी और जो भी समस्या है उसका समाधान कराएगी। नगर पालिका की जो सड़कें हैं शहर में वो भी बहुत मतलब दयनीय स्थिति है, ऐसा कभी नहीं होता था, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?